आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के कटनवार से 16 कांवरिये बड़ी गंडक नदी से जल भरकर कुबेर स्थान में जल अभिषेक करने जा रहे थे, तो वहीं गाड़ी में लोहे की रॉड के सहारे बंधे लाउड स्पीकर के हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार में छू जाने से गाड़ी में करंट आ गया और सभी लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक नाबालिग कांवरिये की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं अन्य लोग घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब से पीड़ित थे, उसमें एक बच्चे की डेथ हो चुकी थी और 6 गंभीर थे जिनको DRD मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। 8 जो यहाँ इलाज के लायक थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुशीनगर में विद्यालय से अपने घर जा रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो बता दें कि पडरौना के राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की एक छात्रा विद्यालय से अपने घर जा रही थी कि तभी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर उसको टक्कर मारकर फरार हो गया, तो वहीं पुलिस और एम्बुलेंस के समय से न पहुँचने के कारण छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं छात्रा की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए और सड़क को जाम कर दिया। हरदोई के हरपालपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं पहले से घात लगाए बदमाशों ने अपने चाचा के साथ घर जा रहे व्यापारी पर फायरिंग कर दी, जिसमें व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई तो उसका चाचा बुरी तरह घायल हो गया। वहीं हत्यारे बैगों में भरे करीबन 50 लाख के जेवरात और नकदी लूट ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली और कार्रवाई करने की बात कही। एक डिग्री कॉलेज के पास 3 लड़के अज्ञात खड़े थे अलग अलग मोटरसाइकिलों पर, जो उनके द्वारा इन्हें रोका गया और थैले की मांग की गई, उस छीना झपटी में फिर इनको गोली मारी गई और साथ ही एक अभियुक्त के पास मांका था, उससे जो है इनके मुनीम सरविन के उस पे चोट सर पे चोट पहुंचाई गई और वो थैला छीनकर भाग गए। इतना क्या उम्मीद है पैसा? अभी चूंकि मृतक के पास ही मेन झोला था तो जो असेसमेंट है वो इनके परिजनों द्वारा बताया नहीं गया है, जो भी वो परिजन बताएंगे उस असेसमेंट के हिसाब से आपको सूचित कर देंगे। एटा पुलिस ने मिल रही शिकायतों के बाद ARTO कार्यालय पर छापा मारा, तो वहीं बता दें जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कई दिनों से मिल रही शिकायतों की ARTO कार्यालय के बाहर दलालों का जमावड़ा रहता है जो लाइसेंस गाड़ी ट्रांसफर आदि कामों के लिए ग्राहकों से रिश्वत मांगते हैं, जिसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया जिसमें पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया तो कई भागने में सफल हो गए। मथुरा में अंधविश्वास के चलते सिहोरा गांव में एक महंत अंगारों के बीच में कई दिनों से बैठे हैं, तो वहीं यह महंत इंद्रदेव को प्रसन्न कर बरसात के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। वहीं बता दें कि मथुरा जिले में अब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिस कारण आम लोगों के साथ किसानों का भी बुरा हाल है। तो फिर ऐसे बरसात आ जाएगी? बरसात आ जाएगी। अच्छा, क्या दिन से बैठे हुए हो? आज 5 दिन आए। ऐसे ही बैठे रहते हो? ऐसे ही बैठे रहता हूँ सा रातों दिन। रात दिन खाना पीना कुछ नहीं। फिल्मी पर्दे पर हास्य कलाकार के बादशाह और फिल्म अभिनेता गोविंदा बांके बिहारी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सेवारत गोपी गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी की देरी पूजन कर परिवार में सुख शांति की कामना की। तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें आत्म शांति मिलती है। बांके बिहारी जी की जो कृपा है उनकी सदैव रहे संपूर्ण परिवार पे और बच्चों के लिए, अच्छा रहे, शुभ रहे, कल्याण हो, वही चीज़ का जो इंतज़ार था और है वो मुझे आज लग रहा है कि जैसे कि आज शुरू हुआ है, तो मैं बांके बिहारी जी की प्रार्थना में सदैव जो ये प्रेम है ये सदैव रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बांके बिहारी मांड में SDM ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने कई स्कूलों में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं उनको कहीं स्कूलों से प्राचार्य गायब मिले तो कहीं अध्यापक, साथ ही पढ़ाई के दौरान बच्चे मिट्टी डालते मिले, तो SDM ने कहा कि निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी के लिए भेजी जा रही है, जिसमें कुछ अध्यापकों के निलंबन की और बाकी के वेतन काटने की बात कही है। निरीक्षण में काफ़ी कमियां मिली हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, टीचर लोग उपस्थित नहीं थे और बच्चों को अभी ड्रेस का वितरण नहीं हुआ है। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मिड डे मील यहाँ पे दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता सही है जैसा कि यहाँ बच्चों से पूछने पे बताया गया,
बाकी ग्रामीणों की शिकायत है कि शिक्षक लोग सही समय पे नहीं आते हैं, उसके लिए इन्हें निरंतर अभियान चला के इनकी चेकिंग करके इसको सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती जिले के सिरसिया में श्रावण मास में बाबा नागेश्वरनाथ प्राचीन शिव मंदिर में प्रत्येक दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस अवसर पर हजारों भक्त भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार, दर्शन व आरती और प्रसाद का लाभ लेते हैं। बता दें कि प्रशासन की तरफ से यहां भक्तों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर लोगों में रोष है। श्रावस्ती के भिंगा इलाके के रामगढ़िया गांव में आपसी रंजिश को लेकर देर रात एक युवक को दबंगों ने गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस दो आरोपियों को पकड़कर जांच पड़ताल करने में जुटी है। रामगढ़िया गांव में एक शख्स को उन्हीं के गाँव के तीन लोगों ने गोली मार दी है। उसी सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पहुँच के पीड़ित को हॉस्पिटल पहुँचाया और पीड़ित के परिवार के सदस्य की तहरीर पे धारा 307 IPC और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। तीन नामित अभियुक्तों में से दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।